ये पृथ्वी सुंदर नजारों से भरी है। समुद्र, पहाड़, हरे भरे जंगल, फूलों से भरे हुए मनमोहक दृश्य, सुर्ख पोशाक है फूलों की, दरख्तों की हरी, तेरी महफिल में कोई सब्ज कोई लाल परी। फिर इसके बीच अलग अलग ऋतुओं का आना जाना, हर ऋतु का अपना अलग अंदाज और अलग लाभ भी हैं, जो मानव के वजूद के लिए जरूरी हैं। इस सुंदर धरती के वजूद के कोई मायने नहीं अगर इसमें वास करने वाले न हो। इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं यहाँ बसने वाले जीव जंतु, पेड़ों की डालियों पर चहचहाने वाली पक्षियां, जंगलों में बसने वाले जानवर, समुद्र की गहराई में वास करने वाली मछलियां और दूसरे विभिन्न प्रकार के जानवर। इस धरती पर बसने वाली सबसे ज्यादा सुंदर और बुद्धिमान जीव मानव है। मानव से बेहतर ईश्वर की कोई दूसरी जनित नहीं। यही कारण है कि इंसान ही इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। वो दूसरे जीव जंतुओं पर शासन करता है और उन्हें अपने मकसद में इस्तेमाल करता है। इंसान का वजूद इस संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम प्राणियों को नर नारी में बांटा गया है और ये दोनों ही अपने उद्देश्य के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। कोई भी दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, इसलिए प्राकृतिक तौर पर इस दुनिया में महिला और पुरुष लगभग बराबर बराबर पैदा होते हैं, बल्कि महिलाओं की संख्या थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये सब माता पिता की मर्जी के अनुसार नहीं होता, बल्कि इंसान को जन्म देने वाले और इस संसार के सिस्टम को चलाने वाले की मर्जी के मुताबिक होता है। जरा ऐसी दुनिया को अपनी कल्पना में लाइए जिसमें पुरुष ही पुरुष हों या महिलाएं ही महिलाएं हों। यकीनन ये कल्पना ही दिल को दहला देने वाली है। ऐसी दुनिया बहुत भयानक होगी। क्या ऐसी दुनिया में रहना आप पसंद करेंगे? नहीं ना। मगर हो सकता है पुरुषों को ऐसे समाज में रहना पड़े जहां कोई महिला न हो, और फिर इंसान के जन्म का सिलसिला ही ठहर जाए, क्योंकि इंसानी समाज के लिए पुरुष और महिला दोनों की जरूरत है। जी हां, चौंकिए नहीं। जिस तरह महिला और पुरुष की जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, उससे तो यही लगता है। इसके अलावा ऐसी दुनिया भी खतरनाक होगी जिसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आबादी कम हो। इस समय दुनिया के कई देशों में महिलाओं की आबादी कम होती जा रही है। इसके चलते समाज कई तरह की समस्याओं से दोचार हो रहा है। ऐसे देशों में सबसे महत्वपूर्ण देश चीन है, जहां 134 लड़कों के मुकाबले केवल 100 लड़कियां हैं। यहां हालात ऐसे हैं कि बहुत से पुरुषों को शादी के लिए दुल्हनें नहीं मिल पा रही हैं। अगर हालात नहीं बदले तो हो सकता है कि 2015 और 2030 के बीच 2.5 करोड़ नौजवानों को शादी के लिए दुल्हने नहीं मिल पाए। भारत भी उन देशों में से एक है जहां लड़कियों की आबादी लड़कों के मुकाबले कम होती जा रही है। यह हालत देश के लिए चिंता का विषय है। इस समय देश की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ से आगे बढ़ चुकी है, जिसमें 1000 पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 940 महिलाएं हैं। मगर ज्यादा खतरनाक बात यह है कि दिन ब दिन लड़कियों की संख्या घटती जा रही है। देखिए, ये कन्या भ्रूण हत्या की जहाँ तक बात है, ये वास्तव में मूल रूप से भारत की समस्या है। वैसे कोई कोई एशियाई देशों में जैसे चीन में भी ये प्रचलित है, परंतु मूल रूप से ये भारत का जो सबकॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप है, ये यहाँ की समस्या है।
और पश्चिम में तो इस बात को सुनकर ही लोग अचंभित हो जाते हैं। कन्या भ्रूण हत्या जो है भारत के हर जगह पाई गई है। पहले ये नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स में पाई जाती थी, जैसे पंजाब, हरियाणा या दिल्ली या राजस्थान, लेकिन अब इस बार जो जो स्टैटिस्टिक्स आई है उससे ये पता चल रहा है कि ये हर जगह स्प्रेड कर रहा है, और इसलिए स्प्रेड कर रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ या अमीनोसेंटेसिस है, उसकी जो यूज़ किया जाता है, वो मिसयूज़ आप कह सकते हो, वो करके लिंग जांच और उसके बाद कन्या भ्रूण हत्या किया जाता है। 2011 में संपन्न हुई जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार 6 साल से कम उम्र की लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 914 है, जबकि 2001 में ये 927 थी, यानी 10 वर्षों में 1.40% की इसमें कमी आई है। जिन राज्यों में लड़कों और लड़कियों की पैदाइश के अनुपात में ज्यादा फर्क है वो है उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। देश के कुछ जिलों में लड़कियों की घटती हुई जनसंख्या ने बहुत बुरी हालत पैदा कर दी है। दमन व दीव आइलैंड में 1000 पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 533 महिलाएं हैं। लद्दाख के लेह में 1000 पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 583 महिलाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में 1000 पुरुषों के मुकाबले 701 महिलाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कमांग में 1000 पुरुषों के मुकाबले 755 महिलाएं हैं। सिक्किम के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 1000 पुरुषों के मुकाबले 768 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में 6 साल से कम उम्र 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 846 है, जबकि सन 2001 में ये 798 थी। उत्तराखंड में ये 886 है, हरियाणा में 830 है, दिल्ली में 866 है, राजस्थान में 883 है, उत्तर प्रदेश में 899 है, जबकि गुजरात में ये संख्या 886 और महाराष्ट्र में 883 है। इस समय देश के ज्यादातर भागों में लड़कियों की जनसंख्या कम होती जा रही है। जिन राज्यों में लड़कियों की पैदाइश के आंकड़े ज्यादा तेजी से गिर रहे हैं उनमें शामिल हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मणिपुर, नागालैंड, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन व दीव। इसके भयानक रिजल्ट धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। राजस्थान और हरियाणा जैसे कुछ सूबों में लड़कियों की इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि शादी के लिए दुल्हनों का मिलना कठिन हो गया है। इन इलाकों में अब बंगाल, बिहार और झारखंड से लड़कियों को लाकर शादियां की जा रही हैं। लेकिन अगर लड़कियों की जनसंख्या इसी तरह गिरती रही तो शायद अगले दौर में दुल्हने भी नहीं मिल पाए। तो आती है शुरू में ना चिड़ा, शुरू में तो खाना भी सब पसंद को नहीं आवे, नू तो आप ही चावल खाते हैं, ये तो आड़े रोटी खाना भाषा भी छे भी नहीं, मैं थोड़ी सही समझ में आने लगी, पहले बोले नहीं है कभी। मैं तो उड़े बंगाल में तो चावल खाए, अरे तो रोटी खाए, अरे मेरा तो भाषा बंगाली है, अरे हिंदी बोलते हैं। भारत के लिए लड़कियों की कमी की समस्या दिन ब दिन जटिल होती जा रही है। अगर इस पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो आगे चलकर और भी संगीन रुख अपना सकती है। लेकिन इसी के साथ ये प्रश्न भी है कि आखिर क्यों इस देश में कन्याओं की कमी होती जा रही है। समझा जाता है कि इसके पीछे समाज की खास किस्म की मानसिकता काम कर रही है। ये मानसिकता सदियों पुरानी है जो सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि लगभग पूरे संसार में है। माता पिता को लगता है कि पुत्र उनके लिए ज्यादा लाभदायी है और पुत्री का लालन पोषण सरासर घाटे का सौदा है। बेटियों के पालने पोसने पर अच्छा खासा खर्च आता है, उनकी देख रेख और इज्जत व आबरू की सुरक्षा भी बेटों से ज्यादा करनी पड़ती है।
इसके बाद उनके विवाह पर भी मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। इतनी मेहनत और खर्च के बावजूद वो दूसरों के घर चली जाती हैं। फिर उन्हें संपत्ति से भी हिस्सा देना पड़ता है। इस तरह एक परिवार का धन दूसरे परिवार में चला जाता है। अब देखेंगे कि लड़कियों का रेशियो कम होता जा रहा है, इसके जिम्मेवार हमारे हिसाब से कोई टेक्निक नहीं बल्कि खुद समाज का विचारधारा है। उसमें सबसे बड़ा एक सोच मुझे लगता है कि पितृसत्तात्मक समाज का बहुत बड़ा इसमें सोच है कि हमारे यहाँ लड़कों की अहमियत बहुत ज़्यादा दी गई है। लड़के के अहमियत होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या लड़कियों की अहमियत समाज में बिल्कुल भी नहीं है? खुद मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरी दो बेटियाँ हैं, उसमें जब बड़ी बेटी हुई तो बहुत बड़ा हमारा सेलिब्रेशंस हुआ, जो भी हम लोग एक स्तर पे कर सकते थे बहुत अच्छा लोगों ने सराहा और लोग हमारे पास में आए। जब दूसरी हमारी बेटी हुई तो लोग हमारे पास में फ़ोन भी कर, अरे आपके पास में, अरे कोई बात नहीं अब दूसरी बेटी हो गई, कोई बात नहीं भगवान आपको बेटा भी देंगे, समाज का, जबकि मुझे ये फीलिंग नहीं थी। इस सेक्स सिलेक्शन जो करते हैं, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, आप जानते हैं कि इसको पहले ज़्यादा करते हैं जो बड़े बड़े लोग जिनके पास काफ़ी कुछ साधन है और बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं, ये लोग करते हैं। उसके बाद जो लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग हैं, उनके इतना भेदभाव नहीं है कि लड़का लड़की का जितने इन लोगों का है। चीन में अभी एक चाइल्ड पॉलिसी जो किए हैं ये पिछले 20-30 साल से, उसका बहुत बुरी हालत हुआ है वहाँ, इतने बुरी हालत हुआ है क्या नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए हमारा हिंदुस्तान में उसको बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए, जहाँ पर लागू रखे हैं उसको हटाना चाहिए। लड़कियों से छुटकारा पाने के लिए आजकल कई तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रेगनेंसी के दौरान इस बात की पहचान कि बच्चा फीमेल है या मेल। आमतौर पर फीमेल होने की सूरत में एबॉर्शन करा दिया जाता है। इस काम में सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं वो डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। ये सेंटर्स थोड़े से पैसे के लिए एक अनुचित, अमानुषिक और असंवैधानिक कार्य के लिए तैयार हो जाते हैं। 20 हफ्ते से पहले यदि आप MTP कराते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये कानूनी जुर्म नहीं है, और 20 हफ्ते के बाद यदि कराते हैं तो फिर कानूनी जुर्म है। लेकिन यदि आप लिखित में, चार डॉक्टरों का पैनल उसको डिस्कस कर लेता है और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर में, तो फिर ये जुर्म में कंसिडर नहीं किया जाएगा। पता लगाने के लिए कि लड़का है या लड़की, अल्ट्रासाउंड से ही पता लगाया जा सकता है, और कोई तरीका समाज में मौजूद नहीं है। उसमें यह है कि डॉक्टर के पास जाता है मरीज, और जाने के बाद उसका अल्ट्रासाउंड होता है, और अल्ट्रासाउंड में ये पता जाता है, सेक्स डिटरमिनेशन हो जाता है। लेकिन सरकार ने उस पर काफ़ी सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं, क्योंकि यदि ये पता लगा लिया आपने और यदि किसी ने कंप्लेन कर दी सरकार पे, तो उसमें डॉक्टर को 6 महीने की जेल और मशीन नर्सिंग होम भी सील हो जाता है। अबॉर्शन कराने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि दवाइयों से, और दूसरा है MTP जिसको बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसमें क्या है कि डॉक्टर मशीन के द्वारा वो जो फीटस है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ये 12 हफ्ते तक आसानी से हो जाता है, लेकिन 12 हफ्ते से लेकर के 20 हफ्ते का डॉक्टर के पास यदि जाएगा पेशेंट और कराएगा, तो उसमें काफ़ी रिस्क होती है। इसके बावजूद भी समाज में काफ़ी हो रहा है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सन 2001 और 2005 के दौरान कन्या भ्रूण हत्या के लगभग 6,92,000 मामले सामने आए। कन्या भ्रूण हत्या के ये सरकारी आंकड़े हैं, वरना अंदाजा है कि हर साल पूरे देश में लगभग 1 करोड़ लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार डाला जाता है। फीमेल फॉर्टिसाइड सती से ज्यादा भयानक कत्ल है, मगर फिर भी जारी है। प्रश्न ये है कि इन बच्चियों का क्या पाप है जिन्हें माओं के पेट में ही कत्ल कर दिया जाता है। भारत में अबॉर्शन कराना संवैधानिक तौर पर अपराध नहीं है, शर्त यह है कि यह अबॉर्शन 20 हफ्तों के भीतर हो। यही कारण है कि इस मामले में किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अलबत्ता प्रेगनेंसी के दौरान लिंग परीक्षण करना और कराना अपराध है। इसके लिए कई कानून मौजूद हैं, मगर इन पर अमल कम ही होता है। ये जो लॉ है फीमेल फेडिसाइड का अगेंस्ट में, ये ऑल इंडिया
लॉ जो हुआ था एक्ट 1994 में हुआ था, 1996 से उसको लागू किया गया था। उसके बाद उसका एक संशोधन हुआ है 2002 में, जिसमें काफ़ी कुछ दिक्कतें हो पहले होते थे उसको सब इसमें लिया गया है। ये जब इस ये विधि जो है उसको लागू करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जब जितना राज्यों में सब करना है, जिसे होना चाहिए नहीं हो रहा था, इसलिए मैं जब था भारत सरकार का सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय का, तो उसमें काफ़ी उसको आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न किए थे, और ये जो संशोधन किया गया है उसमें काफ़ी सुझाव इकट्ठे करके उसको आगे संशोधन के लिए प्रस्ताव हम दिए थे। मैं खुद दिल्ली स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड की मेंबर हूँ। अभी तक इस साल एक ही मीटिंग हुई है, और जहाँ 70-80 केसेस थे, अब उसमें 50 केसेस हैं। सारे केसेस विथड्रॉ किया गया है, और खुद थ्रू आरटीआई अगर आप पता करेंगे तो ये बताया जाता है कि ये केसेस जो हैं ये बिल्कुल मतलब मुश्किल से मुश्किल 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई, फिर वो खोल दिया गया। सरकार ने डायग्नोस्टिक सेंटर्स में एक बोर्ड लगवा दिया है कि यहाँ प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स की पहचान नहीं की जाती, मगर सब कुछ कानून का मखौल बनकर रह गया है। असल में इन्हीं सेंटर्स पर परीक्षण भी किया जाता है और एबॉर्शन का कॉन्ट्रैक्ट भी लिया जाता है। इस मामले में जहां समाज का नजरिया न समझ में आने वाला है, वहीं सरकार भी कानून को लागू करने के मामले में सुस्त दिखाई देती है। हमारा सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा है कि महिलाएं खुद अपनी बेटियों की हत्या करने पर मजबूर होती हैं। 90% मामलों में महिलाओं की मर्जी के बगैर एबॉर्शन कराया जाता है। इन पर अपने पति और ससुराल वालों का दबाव होता है, मगर 10% केसेस ऐसे होते हैं कि महिलाएं अपनी मर्जी से ऐसा करती हैं। महिलाएं अपने परिवार और सामाजिक दबाव के आगे झुकने पर मजबूर होती हैं, मगर कभी कभी कुछ हिम्मत वाली महिलाएं इस अपराध के खिलाफ बगावत भी करती हैं, जिसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ती है। कि जितनी भी वो शिक्षित हो जाती है, जितना भी उसमें यू नो कुछ इकोनॉमिक मींस भी उसकी है, एम्पावरमेंट भी है, लेकिन निर्णय लेना उसके हक में, उसके हक में वो कुछ निर्णय ले ले, इस तरह की परिभाषा भारत की किसी भी समाज में अभी तक नहीं मिला है। और ये सबसे बड़ा समस्या लड़कियों के लिए अभी तक रह गया है। तो वो डाउरी के लिए खुद ना नहीं कर सकती है, वो अगर उस पर अत्याचार हो रहा है वो घरेलू हिंसा को ना नहीं कह सकती है, वो कन्या भ्रूण हत्या हो रहा है तो माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए भी ना नहीं कह सकती है। जब हालात ऐसे हो तो बेटियों को जन्म देना आसान नहीं हो सकता। ऐसे में लड़कियों की घटती हुई जनसंख्या के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरा समाज जिम्मेदार होता है। इन तमाम कोशिशों के बावजूद अगर किसी तरह बेटी दुनिया में आ गई तो उसके साथ भेदभाव का बर्ताव शुरू हो जाता है। लड़कों के मुकाबले उसे कमतर समझा जाता है। उसके लिए या तो शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जाती या सस्ते स्कूल में की जाती है। समाज की सोच के विपरीत कई महिलाएं दुनिया में ऊंचे मकाम प्राप्त कर चुकी हैं और भेदभाव से भरे इस समाज में रहते हुए भी सफलता के शिखर तक पहुंची हैं। औरत की जो 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 भी जिस तरह की समस्या आती है उसके लिए सब जगह लॉ बनी है, तो सारे लॉज इम्प्लीमेंट हो, उनकी एम्पावरमेंट हो, तो इस तरह से गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। भारत में एक तरफ तो कन्याओं की पूजा का रिवाज सदियों से चला आ रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी सती का दस्तूर भी रहा है। ये कैसा सोच है जो एक तरफ तो कन्या को पूजने की बात कह रहा है और दूसरे तरफ वही कन्या की हत्या हो रही है और उसके लिए सब लोग समर्थन में खड़े होते हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो मिडिल क्लास है या जो दूसरे मतलब पिछड़े हुए वर्ग के मुस्लिम्स हैं, उनमें ये एक राइट टू लाइफ या बच्चों को प्यार करना, उनको दुनिया में आने देना, वो थिंकिंग है जो अपने रिलीजन से आता है या अपने कल्चर से आता है, जो कि बहुत अच्छा एक तरह से लड़कियों को बचाने का एक तरीका बन जाता है। यहाँ अगर एक तरफ कानून बनाकर महिला उत्पीड़न को अपराध बताया जाता है, तो दूसरी तरफ
उनकी हत्या की खुली छूट भी मिली हुई है। उन्हें सरकारी नौकरियों से लेकर संसद तक आरक्षण देकर सशक्त बनाने की बात तो होती है, मगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक बेटी को जन्म दे सकें, ये अधिकार समाज उन्हें आज तक नहीं दे पाया है। यहाँ जानवरों की हत्या रोकने के लिए कानून मौजूद है और कानून का उल्लंघन करने के जुर्म में हर वर्ष बहुत से लोग जेल भी जाते हैं, मगर ये कितनी अजीब बात है कि कन्याओं की माँ के गर्भ में हत्या करने वालों को कभी सजा नहीं होती। इस हत्या को रोकने के लिए कोई सामने नहीं आता, हालांकि सभी धर्म इसे जघन्य अपराध करार देते हैं और उसकी निंदा करते हैं। सिख धर्म में स्त्री जाति का पूर्ण सम्मान है। सिख धर्म के जो फाउंडर हैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज, उन्होंने अपनी बाणी में ये शब्द उच्चारण किया है, सो क्यों मंदा आखी है जित जमे राजान, कि उस स्त्री को कैसे बुरा कहा जा सकता है जो राजों महाराजों को या जो पीर पैगंबर औलिए हैं जो उनको जन्म देती है। और इसलिए ये जो कन्या भ्रूण हत्या का जो जे समाज में ये बुरा चलन आरंभ हुआ है, हम सिख धर्म की तरफ से उसकी निषेधी करते हैं। आप देखें, शाक्त तत्व संहिता के 18वें चैप्टर में लिखा है कि जो व्यक्ति किसी भी तरह से अपना भ्रूण हत्या कराता है और जिस पेट में बच्चे का चेकअप करा करके कन्या का मर्दन कर देता है, वो व्यक्ति रौरव नरक का भागी होता है। भगवान शिव ने तो यहाँ तक कहा है, जो रुद्र रूप में है उन्होंने नारी का सम्मान किया है, कहा कि शिवा के बिना शिव का कोई अस्तित्व नहीं है। और जहाँ तक ईसाइत का सवाल है, ईसाइत केवल कन्या भ्रूण हत्या की बात नहीं करता है, वो करता है कि कोई भी किसी भी प्रकार के भ्रूण की हत्या करना या गर्भपात करना सरासर गलत माना गया है। और उसके पीछे जो उनकी फिलॉसफी है वो ये है कि देखिए, ईश्वर है जो हमको जीवन देता है, जीवन दाता और जीवन का सृष्टिकर्ता एक अल्लाह है, ईश्वर है, मालिक है, भगवान है, और केवल उसको किसी जीव को लेने का अधिकार है, उसे ही केवल किसी को मारने का या जलाने का अधिकार है, इसके पश्चात या इसके अलावा और किसी को भी कोई हक नहीं है कि वो जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करे। और ईसाइत का ये मानना है कि जैसे ही गर्भ में गर्भ प्रस्फुटित होता है, जैसे ही गर्भ में कुछ बैठता है, तो वो ऑलरेडी एक तरह की जान उसमें आ जाती है। जान ही आती है तभी तो वो बढ़ता है, अगर जान नहीं होगी तो वो अपने आप में कैसे बढ़ेगा। तो वो जीवन है, और अगर उस जीवन को हम दे नहीं सकते हैं, उस जीवन को हम बना नहीं सकते हैं, तो हमें उस जीवन को लेने का अधिकार नहीं है। महिलाओं के मामले में समाज की सोच हर दौर में लगभग एक जैसी रही है। आज से लगभग 1500 साल पहले सारी दुनिया में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। यहाँ तक कि रूम और ईरान, जो कि उस युग के सुपर पावर थे, वहाँ भी उनकी हालत दयनीय थी। अरब में भी लड़कियों के मामले में लोगों की यही सोच थी, इसीलिए वो बेटियों को पैदा होते ही दफन कर दिया करते थे। वो कन्याओं के लालन पोषण को लज्जा की बात समझते थे। कुछ कबीलों में ये कुप्रथा चली आ रही थी कि वो बच्चों के जन्म से पहले ही एक गड्ढा खोद देते थे, अगर बच्ची होती तो उसी में गाड़ देते और बेटा होता तो गड्ढा भर देते। मगर जब इस्लाम का सूरज निकला, सच्चाई का उजाला फैला और जहालत के अंधेरे दूर हुए, तो ये सोच बदली। कुरान में कहा गया, वैजल मौदतु सुइलत बियाई जम्बिन खुतिलत, याद करो उस नाजुक वक्त को
जबकि जिस बच्ची को दफन किया गया है उसी से पूछा जाएगा कि तूने क्या जुर्म किया था, क्या गलती की थी कि तेरे माँ बाप ने तुझे दफन कर दिया। दूसरी बात, कुरान ने ये कही कि ये सोचना कि लड़की अगर पैदा हो जाएगी तो हमारी कमाई में फ़र्क आ जाएगा, उस पर खर्च करेंगे और फिर वो दूसरे घर चली जाएगी, उससे कोई फ़ायदा हमें नहीं होगा। तो कुरान ने कहा कि रिस्क का मामला अल्लाह के हाथ में है और तुम जो खा रहे हो वो भी अल्लाह ही दे रहा है, इसी तरह तुम्हें भी देगा, उनको भी देगा। आपने फरमाया अगर किसी की बच्ची पैदा हो और वो उसे ज़िंदा रखे, उसकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करे, लड़के और लड़की में फ़र्क ना करे, तो आपने फरमाया वो तो जन्नत का मुस्तहिक होगा। तो इस्लाम न सिर्फ ये है कि बच्चियों की परवरिश का, उनकी तालीम और तरबियत का, उनको नशोनुमा का को गोया की तरगीब देता है, बल्कि उसके साथ साथ इस बात की सख्ती से मना करता है कि इंसान को जो ज़िंदा रहने का हक़ है दुनिया में, इस हक़ से किसी भी शख्स को महरूम नहीं किया जा सकता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, क़द खसिर अल्लज़ीन क़तलू औलादहुम सफ़हम बग़ैर इल्म, वो लोग सख्त नुकसान में हैं, खसारे में हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को बेवकूफ़ी में जाने बूझे समझे बगैर कत्ल कर दिया, उनकी जान ले ली। ये इंसान की का नुकसान है, आदमी से समझता नहीं है कि वो कितनी बड़ी दौलत जो अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली है उसे वो ज़ाया कर रहा है। कि एक बात तो यही है कि साहब इस लोगों को जागरूक बनाएं, क्योंकि भाई ये घृणित कार्य है, इससे परहेज़ करना चाहिए। कल आपकी माँ ना होती तो आप कहाँ से होते, कल आप माएँ बनने वाली बच्चियों को रोक रहे हैं दुनिया में आने से, तो आगे नस्ल कैसे चलेगी। तो जनता को जागरूक बनाएं, इसमें NGO भी काम कर सकते हैं, धार्मिक लोग भी काम कर सकते हैं और हमारी मीडिया भी काम कर सकता है। तो इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, हुकूमत को भी ध्यान दिलाने की ज़रूरत है कि वो इस कानून को सख्ती के साथ लागू करे। लागू करने से भी गोया इस मसले का एक हद तक होता है, मगर असल मसला ये नहीं है, असल समाधान ये नहीं है। असल समाधान तो ये है कि ये देखना चाहिए कि समस्या पैदा कहाँ से होती है, समस्या के पैदा होने का आधार क्या है, और वो है आदमी का मन, उसका अंतःकरण, उसके विचार, उसकी आइडियोलॉजी और आदमी के मन की जो स्थिति होती है वहाँ से समस्याएं पैदा होती हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आदमी के विचारों को, आदमी की मन स्थिति को, उसके अंतःकरण को परिवर्तित किया जाए और एक समस्या को उसके समग्र रूप में देखने की कोशिश करनी चाहिए। एक समस्या पैदा होती है तो हम सिर्फ एक छोटी सी बात देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो समस्या आदमी के पूरे जीवन से संबंधित होती है। तो जब हम इस्लाम का अध्ययन करते हैं इस दृष्टिकोण से, तो हमें ये बात मिलती है कि इस्लाम ने आदमी के इस समस्या को वहाँ से छुआ है, वहाँ से शुरू किया है जहाँ वो असल पैदा होती है। इस्लाम ने यह कहा कि देखिए भाई, ईश्वर है, खुदा है, और आपका उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए, और उसने पूरी सृष्टि को पैदा किया तो आपको भी पैदा किया है, और आपके अलावा जितने मानव जाति हैं, पुरुष हों या नारी हों, सब उसने पैदा किया है। तो आपको कोई अधिकार नहीं है उन्हें दुनिया में आने से रोकने का, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप दुनिया में खुद तो आ गए हैं और दूसरे लोगों को ना आने दें। दूसरी बात उसने बताई कि देखिए, जिस तरह से वो रिज्क आपको देता है वैसे ही उस सारे इंसानों को दे रहा है। तो जब आप यहाँ दुनिया में भोजन और दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं खुदा ही के दिए हुए साधनों से, तो फिर वो दूसरों को भी देगा, आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस पर भरोसा करें और जो तदबीरें हो सकते हैं वो रोज़ी हासिल करने की जायज़ हद तक, उचित हद तक और उन्हें अख्तियार करने की कोशिश करें। दूसरी बात वो ये कहता है। तीसरी बात वो ये कहता है कि ये जो आप समझते हैं कि साहब मान सम्मान खतरे में पड़ जाएगा, ये बात भी सही नहीं है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई, आप तो जन्नत उस आदमी को मिलेगी, यानी खुदा की निगाह में वो बंदा पसंदीदा है, और अल्लाह ऐसे बंदों को पसंद करता है जो बच्चियों की परवरिश करें। कोई बच्ची एक हो जाए या दो हो जाए, जो आदमी उनको ज़िंदा रहने दे, परवरिश करे, शिक्षा दीक्षा करे, तो ऐसे आदमी के लिए खुशी बशारत दी है, खुशखबरी दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए। असल में इस्लाम धर्म आदमी के अंदर एक सर्वशक्तिमान मालिक के होने का एहसास जगाता है और उसी के सामने अपने हर किए हुए काम की जवाबदेही का एहसास पैदा करता है। केवल कानून के भय से
मनुष्य के अंदर किसी जुर्म से दूर रहने का एहसास पैदा हो तो अकेले में उसे पाप करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ईश्वर के हर जगह होने का एहसास उसे कई बुरे कामों से रोक सकता है। धार्मिक सिद्धांत इसी तरीके से जीवन में बदलाव लाते हैं। इन्हें ईमानदारी से अपनाकर महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। कन्या भ्रूण हत्या ने कन्याओं के वजूद को ही खतरे में डाल दिया है। इस कारण हमारी आधी दुनिया खतरे में पड़ गई है। ये दुनिया औरत के बगैर उतनी ही अधूरी है जितनी के मर्द के बगैर। हम स्वयं अपनी माँ के कारण हैं। फिर इस दुनिया का सिस्टम औरत के बगैर कैसे चल सकता है? मनमोहक दृश्यों, ठंडे झरनों, रंग बिरंग के बाग बगीचों, हरे भरे जंगलों, पहाड़ों और नदी नालों का आनंद ही क्या अगर इस संसार में औरत का वजूद ना हो, क्योंकि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग।